नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आप ही की संस्कृति कक्षा संस्कृत विद सीके में। आज का पाठ है कक्षा आठवीं का संस्कृत। प्रथमा पाठ है मंगल कामना। मंगल कामना, अच्छी कामना, देश के लिए कामना। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रभो देश रक्षा बलम मे प्रयक्ष, नमस्ते अस्तु देवेश बुद्धिम च यक्ष, सुतास्ते वयम शूरवीराः भवाम, गुरुन मातरम चापि तातम नमाम। यहाँ पर मंगल कामना की जा रही है कि हे प्रभु, देश रक्षा बलम, देश की रक्षा करने का बल में मुझे प्रयक्ष प्रदान कीजिए। नमस्ते अस्तु, आपको नमस्कार है देवेश, हे ईश्वर। बुद्धिम च यक्ष, और बुद्धि दीजिए। सुतास्ते, हम सब आपके पुत्र पुत्रियाँ। वयम, हम सब शूरवीराः पराक्रमी भवाम बने। गुरुन, गुरु, मातरम माता, चापी और भी, तातम पिता, नमाम नमस्कार करें। चलिए अर्थ देखते हैं। प्रभो देश रक्षा बलम मे प्रयक्ष, हे प्रभु, देश की रक्षा करने का बल मुझे प्रदान कीजिए। हे प्रभु, देश की रक्षा करने का बल मुझे प्रदान कीजिए। नमस्ते अस्तु देवेश, हे देवेश, आपको नमस्कार है, मुझे बुद्धि प्रदान कीजिए। हे देवेश, आपको नमस्कार है, मुझे बुद्धि प्रदान कीजिए। सुतास्ते वयम, हम सब आपके पुत्र पुत्रियाँ, हम सब आपके पुत्र पुत्रियाँ। शूरवीराः भवाम, शूरवीर बने, पराक्रमी बने। गुरुन मातरम चापि तातम नमाम, गुरु माता और पिता को मेरा प्रणाम है। गुरु माता और पिता को मेरा प्रणाम है। अर्थ एक बार और। हे प्रभु, देश की रक्षा करने का बल मुझे प्रदान कीजिए। हे देवेश, आपको नमस्कार है, हे ईश्वर, आपको नमस्कार है। बुद्धिम च यक्ष, मुझे बुद्धि प्रदान कीजिए। हम सब आपके पुत्र पुत्रियाँ सुरवीर बने, पराक्रमी बने। गुरु माता और पिता को मेरा प्रणाम है। दूसरा श्लोक। घृणायास्तु नाशः सदैक्यस्य वासः, घृणायास्तु नाशः सदैक्यस्य वासः, भवेद भारते स्नेह वृत्तेर विकासः। प्रजातांत्रिकं राज्यमिष्माकमत्र सदा वर्धतां मंगल यत्र तत्र। अर्थ देखते हैं। घृणायास्तु, घृणा का नाशः, नाश, सदैक्यस्य हमेशा एकता का, वासः वास, भवेद भारते भारत में, स्नेह वृत्तेर विकासः स्नेह का विकास, प्रजातांत्रिकम प्रजातांत्रिक, राज्यमस्माकमत्र हमारा राज्य, सदा हमेशा, वर्धताम बढ़ती रहे, मंगल यत्र तत्र। अर्थ देखते हैं। घृणा का नाश हो हमेशा, एकता का वास हो। घृणा का नाश हो हमेशा, एकता का वास हो। भवेद भारते स्नेह वृत्तेर विकासः, मेरे भारत में हमेशा प्रेम भाव का विकास हो। प्रजातांत्रिकम राज्यमस्माकमत्र, हमारा यह राज्य प्रजातांत्रिक है, जनता का है। सदा वर्धताम मंगल यत्र तत्र, यहाँ खुशहाली हमेशा यहाँ वहाँ बढ़ती रहे, यहाँ वहाँ अर्थात सभी जगह यहाँ खुशहाली बढ़ती रहे। घृणा का नाश हो हमेशा, एकता का वास हो मेरे इस भारत में, हमारे भारत में। स्नेह वृत्तेर विकास, प्रेम भाव का सभी जगह विकास हो। हमारा यह राज्य जनता का है, प्रजातांत्रिक है, यहाँ मंगल और खुशहाली सभी जगह बढ़ती रहे। अगला श्लोक। न कोऽपि क्षुधा पीड़ितो मानवः स्यात्, न रुग्णो न नग्नो न क्षीणश्च तस्मात्, न शिक्षा विहीनञ्च पश्याम कंचित, प्रभो भारतस्योन्नतिः कथञ्चित्, भारतस्योन्नतिः स्यात् कथञ्चित्। न कोऽपि क्षुधा पीड़ितो,
यहाँ कोई भी मनुष्य भूख से पीड़ित ना हो, ना को अपि क्षुधा पीड़ितो मानवः स्यात्। यहाँ कोई भी मनुष्य भूख से पीड़ित ना हो, ना रुग्णो ना नग्नो, ना ही कोई रोगी हो, ना ही कोई वस्त्रविहीन हो, ना छीड़श्च तस्मात्, ना ही यहाँ कोई क्या हो दरिद्र हो, ना शिक्षा विहीनंच, यहाँ कोई भी शिक्षा से विहीन पश्याम कंचित दिखाई ना दे, यहाँ कोई भी शिक्षा से विहीन दिखाई ना दे। प्रभो हे प्रभु, भारतस्योन्नति है, भारत की उन्नति है, कैसे भी तरह से होनी चाहिए। एक बार और, ना को अपि क्षुधा पीड़ितो मानवः स्यात्, यहाँ कोई भी मनुष्य भूख से पीड़ित ना हो, ना रुग्णो ना नग्नो ना छीड़श्च तस्मात्, ना ही कोई रोगी ना वस्त्रविहीन और ना ही कोई दीनहीन या दरिद्र हो, ना शिक्षा विहीनंच पश्याम कंचित, यहाँ कोई भी शिक्षा से विहीन दिखाई ना दे। हे प्रभु, भारत की उन्नति किसी भी तरह से हो या किसी भी तरह से होनी चाहिए। अगला, सुखै पूर्णमेतद् भवेद् भारतम् मे, भवेदत्र नित्यं प्रभो अनुग्रहस्ते, इयं कामना प्रार्थनैसा विधातः, इमां पूरयेकाम् अये लोकमातः। सुखै पूर्णमेतद् भवेद् भारतम् मे, मेरा भारत सुखों से परिपूर्ण हो, मेरा भारत सुखों से परिपूर्ण हो। हे प्रभु, यहाँ आपकी कृपा हमेशा या प्रतिदिन बनी रहे। हे प्रभु, यहाँ आपकी कृपा नित्य प्रतिदिन बनी रहे। यम कामना प्रार्थनैसा विधातः, हे विधाता, यही हमारी कामना है, इच्छा है, यही हमारी प्रार्थना है। इमाम पूरे काम अये लोकमाता, हे लोकमाता, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। हे लोकमाता, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। एक बार और, मेरा भारत सुखों से परिपूर्ण हो, मेरा भारत सुखों से परिपूर्ण हो। हे प्रभु, यहाँ आपकी कृपा प्रतिदिन बनी रहे। हे प्रभु, यहाँ आपकी कृपा प्रतिदिन बनी रहे। हे विधाता, यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी कामना है, यही हमारी प्रार्थना है। हे लोकमाता, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। हे लोकमाता, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। आशा है चारों श्लोकों का अर्थ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। घर में इसको बार बार अभ्यास कीजिए ताकि आपके दिमाग में और अच्छी तरह से आ जाए, आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।